सलाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल दोस्ती उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ, हम सब अच्छे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो गया, सारा नाश्ता सारा काम हो गया, सारा नाश्ता हो नहीं गया, मतलब सारा काम हो गया, नाश्ता वगैरह रेडी हो गया। तो अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ, और अभी ना मैंने थोड़ी देर पहले दूध पिया, इस वजह से पौने 11 मिलते हैं आपको बाद में। और बच्चे गए हैं स्कूल बाहर ना अभी। हाँ, बारिश की हल्की हल्की छींटे पड़े, हल्के हल्के 2 मिनट के छींटे पड़े, बट उसके बाद ना फिर से धूप आ गई है। और तो दोस्तों, यहाँ पे सुबह सुबह ना हमारे मोहल्ले में मच्छरों का दवा फेंकने वाली मशीन आई थी। तो यहाँ पे देखिए आप सब, धुआं ही धुआं रहा। मशीन ना स्प्रे कर रही है पूरे मोहल्ले में। बरसात के टाइम पे ना ऐसे आती है मशीन हर साल। देख दोस्तों, यहाँ पे प्याज कट कर दिए मैंने, और ये लंबे स्लाइस में इसलिए कर रखी क्योंकि मैं प्याज के पकौड़े बना रही हूँ। बाकी यहाँ पे इसमें धनिया काट के डाल के अजवाइन डाल दिए है, और यहाँ पे तेल रख दिया है मैंने गरम करने, तो पकौड़े बनाऊंगी पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे प्याज के ऊपर से ना मैंने बेसन डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी हल्दी, क्योंकि छोटी चम्मच है, छोटी चम्मच से एक चम्मच हल्दी पड़ेगी। यहाँ पर है सब्जी मसाला, और अभी डालूंगी मैं धनिया पाउडर भी। ये डाला, ये सब्जी मसाला है, पहले मैंने धनिया पाउडर डाला, और उसके बाद अभी और डालूंगी छोटी चम्मच से। तो उस हिसाब से डालूंगी जिस हिसाब से पकौड़े का वो है। यहाँ पे डाल दिया मैंने वो मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, और नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरी मिर्च काट के। हरी मिर्च डाल दिए काट के, अजवाइन मैंने पहले से ही डाल दिया था। तो दोस्तों, इसे ना मैं पहले मिक्स कर लूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ना मैं सब मिक्स कर रही हूँ एक साथ, और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है। ये तेल रख दिया, मैं पकौड़े डालना शुरू कर रही हूँ। तो ये सरसों के तेल में पका रही हूँ मैं पकौड़े। दोस्तों, यहाँ पे पकौड़े बन रही है। दोस्तों, यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं। ये दूसरी बार के पकौड़े डाल दिए मैंने इसमें। यहाँ पर पकौड़ी पक गई है, अब मैं इसको निकालती हूँ। थोड़ा सा पकने को और, मतलब तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर मेरे बन गए हैं पकौड़े। थोड़े बहुत ही बना के, क्योंकि कड़े के लिए चाहिए थे मुझे। और यहाँ पे तेल गरम हो गया, उसी तेल में मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। और यहाँ पे कट कर रखी मैंने प्याज और हरी मिर्च। तो दोस्तों, जीरा चटक गया, मैं प्याज और हरी मिर्च डाल दूंगी। तो यहाँ पे इसी उसमें बेसन में मैंने मट्ठा डाल दी है, दही नहीं, मट्ठे वाली झोली बना रही हूँ मैं करी। तो इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूंगी। तो यहाँ पे दही फेंट नहीं, मट्ठा फेंट रही हूँ, सॉरी मट्ठा है ये जो मम्मी ने दी थी मुझे कल मट्ठा। इसमें मट्ठा और बेसन डाल दिया है, मतलब अभी फेंटना है। बाकी इसे प्याज पक रही है, अभी इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ मसाले। तो दोस्तों, मसाले ना मैं इसी उसमें फेंट लूँगी। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने सब्जी मसाला है, और हल्दी पाउडर है, अब डालूँगी धनिया पाउडर, और इसको सबको मिक्स कर दूँगी। नमक बाद में डालूँगी, मिर्च भी डाल दी है मैंने लाल मिर्च का पाउडर। नमक बाद में डालती हूँ जब पक जाएगा ना झोली करी, तो उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पर नमक। यहाँ पर मैंने फेंट ली है बेसन मट्ठे में, और यहाँ पर अब डाल दी है मैंने प्याज पकने के बाद बेसन और मट्ठा। अब मैं इसे घुमा दूंगी। और अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाल रखा है, क्योंकि नमक से मट्ठा फट जाती, तो थोड़ी देर में डालूंगी मैं। गैस हम फुल कर देंगे। तो यहाँ पे अभी पानी डाल दूंगी इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे एक साइड से मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और एक साइड से मेरी करी पक रही है जो कि मैंने ढका हुआ है ढक्कन। तो दोस्तों, यहाँ पे पक रही है करी, और इसमें अब मैं एक दो उबाल आने के बाद अब डालूंगी यहाँ पे नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पे मैंने फुल गैस कर दिया, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कड़ी पक गई, अब मैं इसमें ना पकौड़ी डाल देती हूँ। मैं ना पकौड़ी डाल देती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पक गई मेरी पकौड़ी वाली जोड़ी। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए।
बच्चे आ गए हैं स्कूल से। कल है? दो दिन की छुट्टी। तो यू भी फिर भी जाएगा? यू भी तो जाएगा इसके। नहीं। जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लगा दिया है खाना, यहाँ पे पकौड़ी वाली झोली, कड़ी चावल, सलाद। खाओ। कैसी हो रही? यू भी सही से खाते? कैसी हो रही? तो दोस्तों अभी मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ आपको 6:30 बजे, और यहाँ पे ना यूवी को मैं टेबल लाने करा रही हूँ, और सोए थे हम लोग दिन में, और यही घर की भूंडी है मैंने दिन में धो के रख दी थी, और अभी कट कर रही थी। अभी शाम का 6:30 हो गया, तो खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और सीधा अभी मिल रही हूँ आप लोगों को। तो ये लोग कहीं गए हैं अभी, आयुष और ये दोनों कहीं गए, आयुष आयुष के पापा कहीं गए किसी काम से कपड़ों में प्रेस कराने, क्योंकि सुबह आए थे नहीं आए थे भैया पता नहीं। तो यूवी को यहाँ पे मैं करा रही पेपर कराने, क्योंकि अब रिविजन टेस्ट चल रहे हैं, अब थोड़े दिनों में ना पेपर भी स्टार्ट जाएंगे, हाफ ईयरली पेपर। तो मैं सब्जी का काम करती हूँ, यूवी अपनी पढ़ाई का काम करेगा। आओ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने घर की फ्रेश भिंडी कट कर दिया, अब मैं सब्जी बनाती हूँ भिंडी की। दोस्तों यहाँ पे रात का बज गया है 8:30, और बच्चे ना खाना खाने लग गए हैं, बच्चों को दे दिया है मैंने खाना, हम लोग अभी थोड़ी देर में खाएंगे। तो कैसी हो रही सब्जी? अच्छी। भिंडी की सब्जी, रोटी, दही, चीनी भी डाल रखी आज दही में मैंने, और दिन बच्चे डालते थे खुद से कभी कभी, रोज़ नहीं डालने देती थी मैं दही में चीनी, क्योंकि फ्रेश दही में ना ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मैंने कहा चलो मैं ही डालती। कैसी हो रही है बच्चों सब्जी? तो दोस्तों रात का बच गया है 9:15, और हम लोगों ने ना खाना वगैरह खा लिया। खाने में मैंने बनाई थी फ्रेश भिंडी की सब्जी, मतलब मम्मी के यहाँ की मायके की थी वो, और सब्जी, रोटी, दही। तो खाना वगैरह खा लिया, आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय।